देवास जिले के खातेगांव विकासखंड की रमणी और प्राकृतिक धरोहर विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में ग्राम तिकवाड़ा में प्राकृतिक सुंदरता के बीच क्षेत्र के संत राम कथावाचक पंडित धर्मेंद्र व्यास के द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जहां बेसहारा गो माताओं की सेवा हो रही है। यहां पर प्राकृतिक सुंदरता के बीच संत कुटिया में हवन पूजा धुनी में भी किया जा रहा है। मनमोहक दृश्य प्राकृतिक छटा के बीच गोमाता की सेवा का यह नजारा देखते ही बनता है। शासन प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद भी संत धर्मेंद्र व्यास कथा के द्वारा जो सहयोग राशि आती है उसी से गो सेवा का संचालन करते हैं। उनके शिष्यों के द्वारा समय समय पर गो माता की सेवा के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे ये सब कार्य हो सके। पंडित व्यास ने बताया कि कलयुग में गो सेवा ही परमात्मा से मिलन का सबसे उपयुक्त मार्ग है। खातेगांव से ब्यूरो प्रदीप साहू जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र व्यास जी, जो तिकवाड़ा में गौशाला का संचालन कर रहे हैं। गुरुदेव, कितने दिन से ये गौशाला का संचालन प्रारंभ हुआ? ये मानस कामधेनु गौ सेवा संस्थान तिकवाड़ा और तिकवाड़ा दोनों गांव के मध्य में पड़ती है, और ये जो है विगत 3-4 वर्षों से गौ माता की सेवा हो रही है, और सभी क्षेत्रों के द्वारा खातेगांव जनपद जितने भी गांव पड़ते हैं उनके द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, और यहाँ 40-50 गैयाओं की सेवा हो रही है। वो सब निस्सहाय गैयाएँ हैं, और इसके बाद में सब कथा भागवत के द्वारा जो भी राशि आती है उससे गौशाला का संचालन हो रहा है। अभी यहाँ कोई शासन के द्वारा मदद मिली क्या? शासन के द्वारा 4 साल में कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। कितने वर्ष हो गए हैं? 4 वर्ष हो गए हैं और रखा गया था।